छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सनातन धर्म के प्रेरणाता संत बाबा गुरु घासीदास की 266वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सतनामी समाज ने अपने घरों में दीप प्रज्वलित किया और जैत खाम पर सफेद ध्वज फहराई। इस दौरान यशवंत बारले ने कहा है कि गुरु घासीदास सतनामी संप्रदाय का गुरु हैं और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताया है। घासीदास का जन्म गिरौदपुरी ज़िले में हुआ था और बचपन से जाति व्यवस्था की बुराइयों को अनुभव करने के बाद उन्होंने समानता पर आधारित जीवन जीने का एक नया तरीका स्थापित करने का मन बना लिया था। उन्होंने उस समय प्रचलित सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था को समझने और इसे समाप्त करने वाले संसाधनों की खोज की। उनके द्वारा स्थापित सतनामी समुदाय या संप्रदाय सत्य और समानता पर आधारित है। जो प्रतीक बनाया उन्होंने वह सफेद रंग का झंडा है जिसे जैत खम्ब कहा जाता है और हमेशा सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए है। सफेद झंडा शांति का भी प्रतीक है। आज गुरु घासीदास जयंती के पावन बेला पर मनखे मनखे एक समान के सिद्धांत को मानते हुए सतनामी समाज बाबा जी के बताए मार्गों पर चलकर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर निरंतर विकास की गति में काम कर रहा है और आने वाले समय में बाबा जी के बताए मार्गों के अनुसार समाज में व्याप्त कुरूति है निश्चित रूप से समाप्त होगा। और बाबा जी ने मनखे मनखे एक समान जो नारा दिया है निश्चित रूप से हमारे मानव जीवन के लिए एक सही संदेश है। मैं बहुत सुरक्षित की भावना था, आज बाबा जी ने देश में भाईचारा, प्रेम और आज हम एक मंच में जो बैठे हैं वही मनखे मनखे एक समान बाबा जी का नारा जो बताए हैं निश्चित रूप से आज हमको आज बाबा जी की याद करना चाहिए कि और हर मानव में फर्ज होना चाहिए कि हम एक मिलकर के